शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आचार्य सम्मेलन में कछार, करीमगंज, हैलाकंदी, दीमा, असम जिले के 44 विद्यालयों से 800 से अधिक आचार्यों ने भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री अवनीश भटनागर जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत एवं NIT सिलचर के निदेशक प्रोफेसर शिवजी बंदोपाध्याय उपस्थित रहे। समारोह में विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी, विद्या भारती दक्षिण असम प्रांत संगठन मंत्री श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया, सह संगठन मंत्री महेश भागवत जी, शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम के अध्यक्ष प्रोफेसर निखिल भूषण डे व प्रांत मंत्री निहारेंदु धरवी उपस्थित रहे। विद्या भारती के महामंत्री अवनीश भटनागर जी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्या भारती का अखिल भारतीय महामंत्री ऐसा दायित्व है, आज सिलचर में यह जो हमारा सम्मेलन है दक्षिण असम के 4 जिलों के हमारे जो 45 विद्यालय चलते हैं उनमें जो अध्यापन कार्य करने वाले हमारे शिक्षक हैं, ऐसे भाइयों और बहनों का यहाँ पर एक सम्मेलन है। 2-3 प्रकार के उद्देश्य हैं। पिछले 2-3 वर्ष के कोरोना के समय में आपस में मिलना जुलना नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन बार बार हो रहे हैं, विशेषकर एक नया काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुआ है और इसके कारण से हमारे आचार्यों की भी तैयारी रही। कोई भी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आता है तो उसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका प्रशिक्षण, उनको जानकारी, उसके साथ जैसे इस NEP 2020 में 122 नए शब्द शिक्षा के क्षेत्र में आए जो अभी तक भारत में शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग में नहीं आते थे। ऐसे नए शब्दों की उन टर्मिनोलॉजी को समझना, उनका अर्थ जानना और किसी भी शिक्षा नीति का अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो वो तो जब क्लासरूम टीचिंग तक जाएगा तभी उसका लाभ होगा। इसलिए प्रयास ये किया गया है कि ऐसे समय समय पर छोटे ग्रुप्स में छोटे समय के लिए बार बार आना, उनके बीच में इन विषयों को दोहराना, रिपीट करना, कुछ उनकी जिज्ञासाएँ होती हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, उनका समाधान करना, इसलिए आज ये पूरे एक दिन का कार्यक्रम यहाँ राजीव भवन में सिलचर में रखा गया है। मैं कल रात्रि को यहाँ आया और उसके बाद यहाँ आज दिन भर इनके बीच में रहकर कुछ बातचीत करूँगा। देश में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन होते हैं, समाज का परिवर्तन ही वास्तव में राष्ट्र का विकास का कारण होता है, यह वास्तव में विचार किया जाता है। विद्या भारती के इस विश्वास को ही हम लोग वास्तव में क्रियान्वयन करना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज का परिवर्तन होगा, देश का विकास होगा, उसके लिए माध्यम हम बन सकें, हमारे आचार्य बन सकें, हमारे द्वारा तैयार हो रही अगली पीढ़ी बन सके, ऐसा प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी में एक कदम आज का ये आचार्य सम्मेलन भी है। हम लोग दिन भर रहकर इस बार की चर्चा करेंगे। सरकार जब जो पॉलिसी ले रहा है ये अच्छा है क्या फ्यूचर के लिए? कोई भी परिवर्तन सदैव अच्छे के लिए ही होते हैं। स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो 1986 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एजुकेशन पॉलिसी आई, परंतु स्वयं सरकार के आंकड़े हैं कि उसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस पूरी तरह लागू नहीं हो सके, 15% के आसपास ही उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो पॉलिसी कितनी भी अच्छी बने, परिणाम तब दिखाई देता है जब उसका वास्तव में फील्ड में धरातल पर जाकर उसका वास्तव में प्रयोग हो।